नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। 2019 के आम चुनावों से पहले 5 राज्यों के चुनाव तमाम सियासी दलों की आगे की रूपरेखा को तय करेंगे और इसके साथ ही यह भी तय होगा कि पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी घमासान में उतरेगी। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व को कॉपी करके अपना जनाधार बढ़ाने की कवायद में लगी है, तो वहीं बीजेपी को राम और विकास का सहारा है। राजस्थान में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसको देखते हुए सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि सीएम राजे की धरा पर क्या कांग्रेस इस बार कब्जा कर लेगी या फिर इस महाभारत में एक बार फिर से वसुंधरा इतिहास को बदलकर राजस्थान की महारानी बनेगी। दोनों में सत्ता में कौन आएगा इसका फैसला तो जनता करेगी। लिहाजा इंडिया न्यूज की टीम लगातार जनता के बीच जाकर उनके नजरिए से ही इस चुनाव को देखने की कोशिश कर रही है। चुनावी मुद्दों और विकास के नाम पर लड़े जा रहे इस चुनाव को लेकर जनता क्या कहती है और किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में अपना वोट डालेगी, इसको लेकर हमारी टीम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जायजा ले रही है। जिस तरह से यहाँ पर वसुंधरा जी आई और आने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत काम करवाया, बाकी 5 साल के अंदर सांसद कोटे से एक रुपया नहीं मिला। सांसद ने तो कुछ दिया ही नहीं है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी काम हुए वो मुख्यमंत्री करवा रही है। के लिए आज की कंडीशन ये है कि करीबन इस 4 बजे गांव में 1 महीने के बाद में पानी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जो बनते हैं उसमें सचिन पायलट, यहाँ सरकार सब जगह जो वादे किए कहीं ना कहीं वो वादे पूरे हुए। क्षेत्र में कहीं रोष नहीं है, रोष है तो सिर्फ पार्टी के अंदर, पार्टी की गुटबाजी के कारण ही रोष। तो चुनावी चौपाल की इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची 4 भुजानाथ के प्रांगण में, जहां हमारे संवाददाता ने स्थानीय जनता और नेताओं से यह जानने की कोशिश की है कि इस बार प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर वो किन मुद्दों को लेकर अपना नेता चुनेगी, क्या इस बार उसके चुनावी मुद्दे होंगे। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम जन का मन टटोलने के लिए इंडिया न्यूज की टीम आज मेवाड़ के प्रसिद्ध स्थल 4 भुजानाथ के प्रांगण में पहुंची है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर उनके क्षेत्रीय विधायक जो हैं, क्षेत्रीय सांसद जो हैं, उन्होंने इस इलाके में कितना विकास का कार्य कराया है, साथ ही आने वाले चुनाव में वे किस मुद्दों के ऊपर वोट देने वाले हैं। हमारे साथ इस समय 4 भुजा की पवित्र धरती के लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या कहना है आपका? आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। 5 साल के अंदर जिस तरह से सांसद और MLA ने या 4 भुजा के अंदर विकास के लिए एक रुपया नहीं दिया, और जिस तरह से यहाँ पर वसुंधरा जी आई और आने के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत काम करवाया, बाकी 5 साल के अंदर सांसद कोटे से एक रुपया नहीं मिला और 4 भुजा में विधायक मद से भी 5 रुपये नहीं आए, और आने वाली जनता जवाब देगी, इनको नकारेगी और उनको एक बार बाहर का रास्ता दिखाएगी। ऐसे कौन से काम थे जो होने चाहिए थे और वो नहीं हुए? जैसे यहाँ एक बेड़स का नाका था, जिसमें पूर्व मंत्री कहते थे कि यहाँ पर एक पहले माननीय हीरालाल जी देवरा द्वारा जो उस पर इसका उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास, जिस पर कहते थे कि ये तो सरादों में पत्थर लग गया, पर उसके बाद में जब क्षेत्रीय विधायक का वापस 5 साल के अंदर मौका मिला, वो मौका मिलने पर वो उसी विभाग के सिंचाई मंत्री बने जो बेड़स नाके को बनाने का काम कहा था, वो नहीं हुआ। उसके बाद में वापस 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार आई उसके अंदर माननीय गणेश सिंह जी परमार साहब ने उसका प्रयास किया और प्रयास कर सब पूरा व्यवस्थित करके उसपे NOC वगैरह सब पूरा काम हुआ, और जहाँ पर कांग्रेस के टाइम पर यहाँ पर एक पंचायत तहसील बनी, हॉस्पिटल बना और बहुत सारे कार्य हुए, और इन्होंने विधायक होते हुए यहाँ पर वसुंधरा जी एक धार्मिक स्थान को, भगवान को एक मानने वाली जो लेडीज है और मुख्यमंत्री हैं, अगर चाहते तो उनसे लाखों रुपए का काम हो सकता था, पर माननीय विधायक महोदय के मन में क्या था, क्या उनके आपस में कहीं झगड़े के हिसाब से या किसी हिसाब से इस 4 भुजा को वंचित रखा। देखिए, 4 भुजा दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात आप बताएं, आप क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बदली करेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। मुख्यमंत्री लोकप्रिय नहीं है वर्तमान की जो है वसुंधरा राजे, नहीं लग रही है। क्या कारण है? अभी उनके कामकाज नहीं है, यहाँ 4 बजे के बड़े बड़े काम है, करोड़ों रुपए की जमीन का हेरा फेरी कर दी, अभी इधर का उधर, उसके पास जाते वो बोलता उसके पास जाओ, उसके पास जाते वो बोलता इसके पास जाओ, जनता को इधर उधर घुमा रहे हैं सब।
आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं, आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं, वो भी घुमा रहे, सब घुमा रहे। उन्होंने विकास के काम करवाए क्या इस इलाके में? विकास तो वसुंधरा जी आने के बाद, वसुंधरा आने के बाद ये मंदिर का थोड़ा बहुत काम हुआ, वो भी वो आने पे हुआ, बाकी पहले नहीं हुआ। घोषणा पत्र का जो फायदा है वो मिलेगा क्या? सांसद ने तो कुछ दिया ही नहीं है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी काम हुए वो मुख्यमंत्री करवा रही है। संकल्प रैली लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित की जा रही है, चार भुजा में भी संभाग स्तरीय किसान रैली आयोजित की, आपको लगता है क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कांग्रेस में लगातार एक लड़ाई देखी जा रही है मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी को लेकर, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, आप क्या सोचते हैं कौन बनना चाहिए? उनका नुकसान खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री डिक्लेयर करेंगे तो उनको फायदा होगा, मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करेंगे ऐसे भ्रम में रखेंगे तो उनको नुकसान ही। तो देखिए एक बड़ी बात यहाँ की जनता कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी अगर कांग्रेस की ओर से घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। लोग हमारे साथ हैं, किसानों के लेकर बड़े वादे जो हैं इन सरकारों ने किए हैं, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, प्रदेश की वसुंधरा सरकार हो, किसानों को लेकर कुछ काम हुआ है क्या? वानी साहब, किसानों के 50,000 कर्जे माफ हुए और चार बुजा ग्राम पंचायत के अंदर 30 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान का काम पास हुआ, जिसमें 18 करोड़ रुपए का काम हो चुका है और बाकी का काम चल रहा है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने इस इलाके में विकास कार्य करवाया क्या? विकास कार्य करवाया साहब, बहुत कराया। 73 में जो 20 करोड़ लाख का पास हुआ और विकास किया साहब, आप भले कौन से भी दो, मास्टर प्लान से पास हुआ तो भी सरकार का पैसा ही है, देवस्थान का है तो भी सरकार का पैसा है, तो बाकी इनके घर से तोड़ लाए क्या? पंचायत वालों ने घर से तो कराए। मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार कांग्रेस में एक खींचतान चल रही है, आपको लगता है क्या उसका नुकसान कांग्रेस को होगा? हाँ, नुकसान तो होगा, इनके कोई मुख्यमंत्री चेहरा आदमी दिख रहे ही नहीं है तो फिर नुकसान ही है। हम बीजेपी वालों के पास तो वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ रही है तो उन्होंने कुछ काम किया है तो वो बनेगी वापस। जो गांवों की स्थिति होती है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की हर सरकार जो है उनकी ओर से वादे किए जाते हैं, उनकी ओर से दावे किए जाते हैं कि मूलभूत आवश्यकताएं सड़क पानी और बिजली की जो आवश्यकताएं गांव तक हम पहुंचाएंगे, आपके जो आसपास के जो इलाके हैं जो कुंभलगढ़ विधानसभा में आते हैं वहां पर जो है विकास कार्य हुए हैं क्या? हां हुए साहब, 100 में से 90% सड़कें बन गई है, हॉस्पिटलें बन गई है, बोलो हर गांव में हो गई है, पानी बनी है। लोग हमारे साथ लगातार हैं, गहमा गहमी का माहौल जरूर यहां पर है, लोग हमारे साथ हैं, हम जानते हैं। आप बताएं आने वाले चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ सर, एक जगह मूलभूत सुविधाओं के तहत यहां पे 15 साल हो चुका है, बेरोजगार नाका एक योजना है जलदाय विभाग की, वो करीबन 5 पंचायतों के पानी पिलाने के लिए, आज की कंडीशन ये कि करीबन इस चार बुजा गांव में 1 महीने के बाद में पानी नहीं मिलेगा, ये जलदाय विभाग का कहना है अभी तो। ये जो सरकारें आती और जाती रहती है मगर पेयजल योजना के तहत इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। क्षेत्रीय एमएलए की अगर बात करें तो कितने लोकप्रिय हैं, कितने विकास कार्य उन्होंने करवाए? क्षेत्रीय विधायक ने बहुत काम करवाया, मास्टर प्लान के तहत इस गांव में पूरी कुंभलगढ़ में बहुत अच्छे काम हुए। आप क्या सोचते हैं किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। क्यों बनेगी? जो काम आज दिन पहले करवाए हैं, सरकार भाजपा की बनेगी। कांग्रेस क्यों नहीं बननी चाहिए? कांग्रेस को क्या फायदा नहीं मिलेगा क्या संकल्प रैली का? कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा यहाँ से। काका आप बताएं, किसानों को लेकर वादे पूरे हुए? किसान भूखी लग रही है, किसान खबर खोरा पड़ी रहा, पानी पीने का नहीं, कोरा पानी गंदा है, पानी गंदा भी देखो आप, पानी पीने का मैं बताऊं आपको, पानी कोरा लाल